गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैन्य विद्रोह, सिपाही विद्रोह नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की थी। आप लोगों ने इसमें जाना था कि कैसे विद्रोह का परिचय क्या था, विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, साथ ही साथ मंगल पांडे की शहादत के बारे में भी आपने जाना था। आज हम लोग जानेंगे इसके संबंध में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा, और वो होगा विद्रोह के कारण, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में की थी। राजनीतिक कारणों का आपने अध्ययन किया था प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, गोद निषेध प्रणाली लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई थी, और नाना साहब के पेंशन पर रोक लॉर्ड डलहौजी ने कर दिया था, जिसके कारण विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो गई। साथ ही साथ आपने यह भी जाना था कि किस प्रकार से 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसका अर्थ आप क्या निकालते हैं? इसका अर्थ यह निकलता है कि लॉर्ड डलहौजी ने ही 1857 की क्रांति में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, उसी के द्वारा बीजारोपण कर दिया गया था, उसी की नीतियां जिम्मेदार थी 1857 की क्रांति के। विभिन्न कारणों में लॉर्ड डलहौजी को हम लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार मान सकते हैं। यह भी एक तथ्यात्मक प्रश्न आपके लिए बन रहा है, जिसको आपको ध्यान देना होगा। पूछेगा किस गवर्नर जनरल की नीतियां 1857 की क्रांति के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार आप मानते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी की नीतियां 1857 की क्रांति के लिए हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज हम लोग 1857 की क्रांति में ही अगले चरण की ओर प्रवेश करेंगे, और वह है आर्थिक कारण। पिछले बार आपने राजनीतिक कारणों का अध्ययन किया था, आर्थिक कारणों का हेडिंग बनाएंगे अपने नोट्स कॉपी में। जैसा कि मैंने कहा, ग्रीन और रेड पेन और साथ ही साथ ब्लू या ब्लैक पेन आप रखेंगे, ताकि नोट सुंदर बने, आकर्षक बने, खूबसूरत बने, है ना। तो अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे आर्थिक कारण, और उसके तहत तीन पॉइंट्स को आप उसमें सुमार करेंगे। धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, ये तीन पॉइंट आपके जो हैं इसमें आएंगे, जिसको आपको ध्यान में रखना है। छत्रगण, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में लिखना है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अंग्रेजी भी लिख लेना है, क्योंकि आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद देकर के केवल पूछ देता है, यानी कि अंग्रेजी को भी हिंदी में लिख देता है, इस तरीके से आपको लिख दे देगा एग्जामिनेशन में, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो आपको जब तक नहीं जानकारी रहेगी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसे कहा जाता है, तब तक आपसे प्रश्न नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना होगा, पैनी निगाहें रखनी होगी, और हिंदी का अंग्रेजी संस्करण भी तैयार रखना होगा। इसे ध्यान रखिएगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। सबसे पहले तो समझिए कि धन का निष्कासन आखिर है क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसे कहा जाता है, क्या प्रश्न इससे पूछे जाते हैं प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। भारत का कच्चा माल, भारत के खनिज संसाधन, भारत के जितने भी तरह के मिनरल्स थे, वो सभी अंग्रेज अपने पानी के जहाज में लाद कर इंग्लैंड ले जाते थे। भारत का पैसा, भारत के जितने भी आर्थिक संसाधन थे, वो इंग्लैंड चले जाते थे, और भारत गरीब से और गरीब होता जा रहा था। भारत में आर्थिक बदहाली बढ़ रही थी, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही थी, भारत में प्रति व्यक्ति आय एकदम न्यूनतम स्तर पर चला गया था, और भारत का पैसा, भारत के संसाधन, भारत के आर्थिक संसाधन कहां चले जा रहे थे, इंग्लैंड चले जा रहे थे। इसे ही धन का निष्कासन कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन हमारा कहां चला जा रहा था निष्कासित होकर के, इंग्लैंड चला जा रहा था। छतगन, दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रथम राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहली बार धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी। दादा भाई नौरोजी ने ही हमें बतलाया था कि धन का निष्कासन जो भारत से हो रहा है, वो अनिष्टों का अनिष्ट है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और यहां तक हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, कि प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय मात्र 20 रुपए थी। आप सोच सकते हैं कितनी दुखद बात है ये, प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय
मात्र 20 रुपए होना कितनी शर्मनाक है, कितनी दर्दनाक है कि एक वर्ष में प्रत्येक भारतीय को कितने रुपए मिलते थे, मात्र 20 रुपए वार्षिक आय होते थे। तो यह दुखद बात थी, इसलिए आपको प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों ये ध्यान देना होगा और धन के निष्कासन को समझना होगा। क्या क्वेश्चन आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इस पर पहले निगाह रखें। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा, धन का निष्कासन सिद्धांत किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहली बार दिया था? आपको लगाना होगा दादा भाई नौरोजी, है ना। प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय दादा भाई नौरोजी के अनुसार क्या थी? ऑप्शन में देगा 500 रुपये प्रतिवर्ष, दूसरा ऑप्शन देगा 200 रुपये प्रतिवर्ष, तीसरा ऑप्शन देगा 20 रुपये प्रतिवर्ष, चौथा ऑप्शन देगा 10 रुपये प्रतिवर्ष। वहां पर आपको बताना होगा 20 रुपये वार्षिक थी, 20 रुपये प्रतिवर्ष थी। आप अपने मन से मत बहा दीजिएगा कि उसको 200 रुपये प्रतिवर्ष कर दिए या 500 रुपये प्रतिवर्ष कर दिए, नहीं आप बहा दीजिएगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 20 रुपये प्रतिवर्ष थी वार्षिक आय, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर पूछेगा दादा भाई नौरोजी ने किसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, है ना। तो आपको जवाब देना होगा धन के निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, यह भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत हिट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं का, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी और एक एक चीजों का ध्यान रखना होगा। तो प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, धन का निष्कासन सिद्धांत सबसे पहली बार किस अर्थशास्त्री ने दिया था, बताइए, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन का निष्कासन सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। धन के निष्कासन को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी और आपको ध्यान में रखना होगा कि धन के निष्कासन सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने क्या संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था यह अनिष्टों का अनिष्ट है ना। दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी, तो मात्र 20 रुपए वार्षिक आय थी, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को दिमाग में कंठस्थ कर लेना होगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, धन के निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है ना, अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा उन्होंने दी है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप सबों को इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले इन प्रश्नों को ध्यान से रखना होगा और अपने आप को बुलंद रखना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए लिखने की कार्रवाई अब शुरू करेंगे। हाँ, नीचे तीर का निशान रेड या ग्रीन पेन से और ब्लू या ब्लैक पेन से आपके नोट्स तैयार होंगे। हाँ, लिखिए, धन का निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी, इनवाइट कॉमा अंडरलाइन लाल कलम, ने की थी। कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड, इसे VBI कर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे। नेक्स्ट तीर का निशान, दादा भाई नौरोजी के अनुसार, दादा भाई नौरोजी के अनुसार प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय, प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय मात्र 20 रुपये थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय मात्र 20 रुपये थी। 20 रुपये को इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण। कंप्लीट, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान, दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। नेक्स्ट तीर का निशान, साइन ऑफ एरो, धन का निष्कासन का अर्थ यह होता है कि भारत का कच्चा माल, खनिज संसाधन, धन संपदा
इंग्लैंड की ओर जा रहे थे तथा हम आर्थिक रूप से लगातार कमजोर होते जा रहे थे। कंप्लीट हुआ छात्रगण? हाँ, वेरी गुड, आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है। हाँ, ध्यान देंगे छात्रगण। तो यह है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत इसी को कहा जाता है। इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, इससे जुड़े हुए हर पहलू को छात्रगण याद रखना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न यदि पूछे जाएं तो आपसे कहीं भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कहीं भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसे ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है धन का निष्कासन सिद्धांत। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आएंगे छात्रगण, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। हाँ, हेडिंग बना लेंगे अपने नोट्स कॉपी में, लेफ्ट साइड में, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। हाँ, छात्रगण पहले समझ लें क्या है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली और क्यों इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, क्यों विद्रोह का यह भी एक प्रमुख कारण बना, क्या कारण था कि आर्थिक असंतोष हमारे देश में उभर कर सामने आ गया और विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। छात्रगण, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू किया था। बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। 1793 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में पहली बार स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, है ना छत्रगण? क्या था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसे आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक गांव में अंग्रेज लोग एक जमींदार की नियुक्ति करते थे, वह भारतीय व्यक्ति होता था। एक भारतीय व्यक्ति को जमींदार बनाया जाता था जो कि दबंग होता था, ताकतवर होता था, और उसे वो सारी सुविधाएं दी जाती थीं। उसे जीप दिया जाता था, पुलिस दिए जाते थे, गार्ड्स दिए जाते थे, है ना, और उसे ताकतवर बना करके भेजा जाता था। क्या काम होता था इस जमींदार का? इस जमींदार का काम होता था कृषकों से, भारतीय कृषकों से लगान वसूलना, और कुल वसूले गए लगान का 89% हिस्सा अंग्रेजों के पास जमा करना। सोचिए आप, कुल वसूले गए लगान का 89% हिस्सा वो कहां जमा करते थे? अंग्रेजों के पास। और 11% हिस्सा उन्हें कमीशन के रूप में मिलता था। जमींदारों को कुल वसूले गए लगान का 11% हिस्सा प्रतियोगी विद्यार्थियों कमीशन के रूप में मिलता था, और 89% हिस्सा वो अंग्रेजी राजकोष में जमा करते थे। यही था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। जमींदारों को नियुक्त किया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि आपको लगान वसूलना है। छत्रगण, इसके कारण क्या हुआ? आप जानते हैं कि कमीशन का जो कारोबार होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। कमीशन के लालच में आदमी दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, क्योंकि कमीशन का जहां पे धंधा की बात आ जाती है, तो जमींदारों को यह लगने लगा था कि वह जितना ज्यादा लगान वसूलेंगे उतना ज्यादा कमीशन उन्हें मिलेगा। जितना ज्यादा वो कृषकों पर शोषण करेंगे, उनसे बलपूर्वक लगान वसूलेंगे, उतना ही ज्यादा उन्हें जो है उसका कमीशन मिलेगा, और वह उतना ही ज्यादा पैसे से धनवान बनेंगे। यही कारण था कि जमींदारों ने कृषकों का जमकर शोषण किया। अकाल, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सूखा, भूकंप, चक्रवात, तूफान के बावजूद जब किसान हाथ को जोड़ते थे जमींदारों के सामने, पैर पकड़ते थे कि गलती हो गया है, इस बार प्राकृतिक विपदा आ गई, अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, प्लीज हमें इस बार का लगान छोड़ दें, तब ऐसे में जमींदार शोषण और अत्याचार का दौर चलाते थे। किसानों को कहते थे कि नहीं, घर बेच करके लगान दो, पत्नी के जेवर बेच करके लगान दो, बर्तन बेच करके लगान दो, गिरवी रख करके जमीन को लगान दो, लेकिन लगान तो तुमसे मैं लेकर के ही रहूंगा। छत्रगण, जो किसान मेहनतकश होते थे, जो किसान दिन रात एक करके जो है खेती और कृषि का कार्य करते थे,
जब प्राकृतिक विपदाएं आती थी, बाढ़ आ जाता था, सूखा हो जाता था, महामारी हो जाती थी, तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी। ऐसी विकट परिस्थिति में वो लगान देने में असमर्थ होते थे। ऐसे में जब उनसे जबरदस्ती बलपूर्वक लगान वसूला जाता था, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती थी। छगन, यहां भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम लागू होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। और यहां पर भी किसानों के साथ भी यही हुआ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई। जिन हाथों में कुदाल फावड़े होते थे छात्रगण, उन हाथों ने बंदूकें थाम ली, उन हाथों ने तलवार थाम लिए, उन हाथों ने फरसे, गंडासे और अन्य शस्त्रों को थाम लिया और भारतीय सैनिकों के साथ इस विद्रोह में कदम से कदम मिला करके वो साथ देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कृषकों का शोषण अंग्रेजों ने जमकर किया था। किसके माध्यम से करवाया था? जमींदारों के माध्यम से करवाया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न आएंगे छात्रगण, गौर करेंगे। प्रश्नों की प्रारूप को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, सफलता के लिए यह एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। क्या प्रश्न आएंगे, गौर करें। पूछेगा सवाल, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? आपको लगाना होगा लॉर्ड कार्नवालिस, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? आपको लगाना होगा 1793 में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? जमींदारों द्वारा कृषकों से वसूला गया लगान और उस लगान का 89% हिस्सा अंग्रेजी राजकोष में जमा करना और 11% हिस्सा कमीशन के रूप में जमींदारों को मिलना ही स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, जो अंग्रेजों द्वारा जमींदारों को प्रत्येक गांव में नियुक्त किया गया था लगान वसूलने के लिए। यही तीन मुख्य बिंदुओं पर आपको फोकस करना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या आप याद रखेंगे ना इन चीजों को कि भूल जाएंगे? याद रखेंगे ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आप लोगों के और से जवाब आ रहा है कि नहीं सर, हम लोग किसी भी हाल में इसको याद रखेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस, है ना, याद रहेगा। इसको लगाना है लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी तो नहीं लगा देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। कब शुरू हुआ था, शुरुआत की गई थी लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 में, है ना। क्या था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत प्रत्येक गांव में एक जमींदार नियुक्त किया जाता था और उस जमींदार का कार्य था लगान वसूलना, कृषकों का शोषण करना, कृषकों से बलपूर्वक लगान वसूलना और अंग्रेजी राजकोष में जमा करना। सोचिए छात्रगण, अंग्रेज लोग कितने चालाक थे, भारतीयों द्वारा भारतीयों का शोषण करवाया और धन खुद कमाया। जमींदार किसको बनाता था? भारतीय व्यक्ति को। शोषण कौन करता था? जमींदार। किस पर शोषण करता था? कृषकों पर। कृषक कौन है? वो भी भारतीय व्यक्ति है, है ना। और पैसा कहां पहुंचता था 89%? देख लीजिए, अंग्रेजों के पास। तो सोचिए कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, कहा जाता है द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था, यदि वह भारत में डूबता था तो अमेरिका में उगाता था। आखिर क्यों? अंग्रेज लोग ब्रेन गेम खेलते थे, इनका दिमाग बहुत तेज था, ये यूज एंड थ्रो की नीति जानते थे, ये जानते थे कि कैसा देवता है, कैसे पूजा की आवश्यकता है, कहां कौन सा मंत्र काम करेगा, कहां कौन सा नुस्खा काम करेगा, इस बात को वो भली भांति जानते थे। इसलिए वो पूरे विश्व में उन्होंने शासन किया और यही कारण था कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के द्वारा उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करवाए, भारतीयों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार करवाए और स्वयं धन, अगाध धन संपदा कमाया छात्रगण। और यही घटना विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनी थी। कृषकों का असंतोष उभर कर सामने आ गया और कृषकों ने विद्रोह कर दिया था। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। अब लिखने की कार्रवाई करेंगे छात्रगण, हाँ तीर का निशान देंगे, लिखिए 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं निशान। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक गांव में एक जमींदार नियुक्त किया जाता था तथा उसे
कृषकों से लगान वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी। जिम्मेदारी दी जाती थी। हो गया कंप्लीट छात्रगण। नेक्स्ट तीर निशान। जमींदार द्वारा कृषकों से वसूले गए कुल लगान का 89% 89% हिस्सा अंग्रेजी राजकोष में जमा किया जाता था तथा 11% हिस्सा जमींदारों को कमीशन के रूप में दिया जाता था। यह प्रश्न भी आ चुका है छात्रगण, पीबीआई कर देंगे इसे। नेक्स्ट, स्थाई बंदोबस्त प्रणाली के कारण कृषकों में असंतोष की भावना भर गई। असंतोष की भावना भर गई जिसके कारण कृषकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कंप्लीट हो गया। हाँ, वेरी गुड। तो यह है छात्रगण स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई 1793 में, जो कि कृषकों के शोषण का आधार बनी थी और भारत में एक बहुत ही जबरदस्त रूप से इस प्रणाली के तहत कृषकों का शोषण किया गया, कृषकों पर अत्याचार किया गया। अंग्रेजी राजकोष को तो भर दिया गया परंतु भारतीयों की आर्थिक स्थिति, कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और यही आर्थिक कारण विद्रोह के एक प्रमुख कारणों की गिनती में शामिल हो गए, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण। अगले पॉइंट की ओर आ जाएंगे, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, हाँ छात्रगण क्या है ये पॉइंट समझेंगे छात्रगण। अंग्रेजों की क्या नीति थी इसको समझिएगा आप, है ना। भारत को रत्न गर्भा कहा गया है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था एक समय। क्यों? यहां की जमीन में खनिज संसाधन इतनी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आज भी आप देखते हैं कि आपके गृह प्रदेश झारखंड हो या अन्य जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों में लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, अबरक, कॉटन, हर चीज भारत में, चाहे वो खनिज संसाधन हो, कृषि हो, हर मामले में भारत बहुत ही उन्नत है, है ना। भारत को रत्न गर्भा कहा गया है, यहां से रत्न निकलते हैं, खनिज निकलते हैं। अंग्रेज अब देखिए क्या करते थे, कितना तेज दिमाग था इनका। ये क्या करते थे, भारत का कच्चा माल पानी के जहाज में लाद कर इंग्लैंड ले जाते थे, है ना, और वहां के कारखानों में तैयार माल भारत के बाजार में डंप कर देते थे, गिरा देते थे और उसे सस्ते दर पर बेचते थे। छतगन चूंकि फैक्ट्री में किसान लोग फैक्ट्री में अंग्रेज लोग सामान तैयार करते थे तो उन्हें कॉस्ट कम आता था, कच्चा माल रॉ मटेरियल उन्हें भारत से मिल जाता था निशुल्क, तो उससे क्या होता था कि उन्हें कॉस्ट और कम गिरता था। तो वो क्या करते थे, उन वस्तुओं को भारत में सस्ते दर पर बेचते थे, कम रेट पर बेचते थे। अब आप ही बतलाइए कि आपके सामने दो विकल्प मैं दे रहा हूं, एक बेचारा दिन रात चरखा काट करके खादी का एक शर्ट बनाता है और बेच रहा है, फुटपाथ पर बैठ करके बेच रहा है, उसका कीमत है 50 रुपए। एक बगल में पीटर इंग्लैंड का शोरूम खुला हुआ है, वहां पर लाल पीला हरा नीला फैक्ट्री का बना हुआ, खूब सुंदर पैकिंग किया हुआ, खूब अच्छा कपड़ा, खूब मखमली और बहुत सुंदर कपड़ा, और आपको वही शर्ट 50 रुपए में 3 मिल रहा है, खूब खूबसूरत दिखने वाला। तो आपके अंदर देशभक्ति का कितना भी वायरस दौड़ रहा हो, आप क्या कीजिएगा,
कि आप 50 रुपए का जो खादी वाला शर्ट मिल रहा है उसको खरीदिएगा, नहीं आप तुरंत ले लीजिएगा 50 रुपए में जो 3 शर्ट मिल रहा है पीटर इंग्लैंड का वो वाला ले लीजिएगा। क्यों? अरे भाई सप्ताह में बदल बदल के एक पहनबो, है ना, ये सुंदर लगता हो, बढ़िया हो, कपड़ा भी एक नंबर हो और फैक्ट्री के बनल हो, मजबूत भी है, टिकाऊ भी है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा, आप 50 रुपए का 3 शर्ट शोरूम से खरीद लीजिएगा जो कि इंग्लैंड का है, लेकिन क्या आप भारत का जो बना हुआ खादी का कपड़ा है वो खरीद पाइएगा? नहीं। क्यों? उसका मूल्य भी ज्यादा है, उसकी कॉस्टिंग प्राइस भी ज्यादा है, वो उतना मजबूत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मेहनत करके दिन रात एक करके बेचारा खादल बनाता है, चरखा काटता है, क्या उसका घर रोजी रोटी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी और वह बेरोजगार हो जाएगा। छतगन यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनी थी। व्यक्ति हर कुछ बर्दाश्त कर ले सकता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, लेकिन पेट की आग को नहीं बुझाया जा सकता है, पेट को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कुछ के लिए कहा गया है पापी पेट का सवाल है। आदमी जितने भी काम कर रहा है इस जीवन में, हर व्यक्ति जो काम कर रहा है, सक्रिय है अपने जीवन में, वो किसके लिए कमाता है, किसके लिए काम करता है, किसके लिए मेहनत करता है ना, एकमात्र कारण है उसका पेट। पेट को पालने और पोषने के लिए, पेट हमारा सही दिशा में जाए। छतगन सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, फिर अगले दिन हम लोगों को उसी रूटीन की आवश्यकता होती है। कितना टन चावल, गेहूं, दाल, सब्जी हमारे पेट में चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें लगेगा अरे बाप इतना हम लोग खा लिए हो। तो ये आखिर पेट जो है हमारा है उसे अंधा कुआं कहा गया है, इसमें जितना भी डालते जाओ वह कम पड़ जाता है। तो छतगन जब पेट पर लात पड़ी, जब हमारे कारीगर, दस्तकार, शिल्पकार, लघु और कुटीर उद्योग में लगे हुए लोग जिनका सामान बिकना बंद हो गया, जो बेरोजगार हो गए छतगन, उनके पेट पर लात पड़ी, और जब पेट पर लात पड़ती है तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति क्रूर बन जाता है, व्यक्ति उस समय क्रोधित होकर के ऐसे काम करने लगता है जो उसने सोचा भी नहीं था। यहां भी वही हुआ, जब हमारे दस्तकार, कुटीर और लघु उद्योग में लगे हुए लोग, कारीगर बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने भी तलवारें उठा ली, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में छतगन सैनिकों का साथ देना जो है शुरू कर दिया, और यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनी थी, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। इसे भी छतगन आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसे लिखने की कार्रवाई करेंगे। हाँ, लिखेगा छतगन, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। हाँ लिखिए, भारत का कच्चा माल, खनिज संसाधन अंग्रेज इंग्लैंड ले जाते थे तथा वहां के कारखानों से तैयार माल भारत के बाजारों में कम मूल्य पर बेचा जाता था, जिसके कारण भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योग में काम करने वाले लोगों के सामान बहुत ही कम मात्रा में बिकते थे तथा वे बेरोजगार होते गए। यह घटना भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बनी थी। यह घटना भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बनी थी। कंप्लीट? हाँ, वेरी गुड छतगन। तो यह है छतगन, आर्थिक कारणों के तहत हमारे 3 पॉइंट्स जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। एक, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार दिया था। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। तीसरा पॉइंट, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, जिसे आपने जाना कि कैसे भारत का खनिज संपदा
अंग्रेज लोग जो है ले जाते थे इंग्लैंड में, और वहां के कारखानों से तैयार माल भारत के बाजारों में कम मूल्य पर बेचा जाता था, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता था। और यही जो है कृषकों के, मजदूरों के, कारीगरों के, दस्तकारों के शोषण का कारण बना, और ये सारी घटनाएं 1857 की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई थी, जिसे आपको ध्यान रखना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। अगले कारण की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। इसके तहत पहला पॉइंट है छात्रगण, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। दूसरा पॉइंट है छात्रगण, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन। तीसरा पॉइंट है, भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। छात्रगण ध्यान देंगे, सामाजिक एवं धार्मिक कारण के तहत तीन पॉइंट्स आपको पढ़ना है, जिसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे छात्रगण अपने कॉपी में लेफ्ट साइड में, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम अंग्रेजी भी लिखेंगे छात्रगण, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। क्वेश्चन आता है इससे, अंग्रेजी दे देता है बहुत बार, अंग्रेजी ज्ञान को भी बढ़ाएं, SSC बैंकिंग से लेके प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंग्रेजी का ज्ञान आपको उच्चतम स्कोर दिलाने में सहायक होता है। लिख लिया आपने प्रतियोगी विद्यार्थियों, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, अंग्रेजी भी लिखना है, ध्यान देंगे, हाँ वेरी गुड। चलिए अब इसको समझिए, फिर हम लोग लिखने की कार्रवाई करेंगे और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को भी जो है जानेंगे। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, क्या है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम और क्यों यह 1857 की क्रांति का कारण बना था। छात्रगण सबसे पहले तो आपको जानना है कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी, 1856 में। किस गवर्नर जनरल ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। पहले भी आप इनका नाम सुन चुके हैं छात्रगण, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1865 तक था। यह भी आपका एक प्रश्न तैयार हो गया कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, 1856 से 1862 तक था। ध्यान रखिएगा छात्रगण, 1856 से 1862 तक
थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के समय में स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह की घटना घटित हुई थी। छतगन सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम की शुरुआत 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी। क्या था ये अधिनियम, जो अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर मैं आ रहा हूं, ये आत्मा है इसकी, है ना, जिसको आपको समझना है और दिल में उतार लेना है, छतगन दिमाग में चिपका देना है फेविक्विक से, है ना, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको कहीं मुश्किल ना हो, कहीं परेशानी ना हो। हम सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्या आपको इसका जानना है कि आखिर था क्या सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था क्या। छतगन इसे आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी भारतीय व्यक्ति यदि अंग्रेजी सेना में शामिल होना चाहता था तो उसे एक कागज पर अपने हस्ताक्षर करने होते थे, एक शपथ पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने होते थे। क्या लिखा होता था प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों शपथ पत्र पर? उस शपथ पत्र पर लिखा होता था, मैं अंग्रेजी सेना के साथ विदेश यात्रा और समुद्र यात्रा करने का वचन देता हूं, और नीचे अपना साइन कर देता था। मान लीजिए छतगन एक मंगरू नाम का व्यक्ति जो कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाता है और साइन कर देता है कि मैं समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा अंग्रेजी सेना के साथ करूंगा। मंगरू अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गया, अब क्या हुआ, वो अमेरिका चला गया, सात समुद्र पार, एकदम समुद्र की लहरों को देखते हुए बाप पानी के जहाज में उसको अंग्रेजी लोग ले गए, है ना, अमेरिका में गया, जाके वहां देखा यार ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग, एकदम ऐसे ऐसे करके देख रहा है मंगरू, है ना, कह रहे बाप बड़ी ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, हो इंडिया में तो इतना इतना ऊंचा बिल्डिंग नहीं है, है ना। अब मंगरुआ देख करके बड़ी खुश हो रहा है, लौटा 6 महीने बाद अमेरिका से, है ना, गांव में पूरा एकदम प्रशंसा कर रहा है अपना कि अमेरिका गया, ऐसे देखे वैसे देखे, वहां का रोड है इतना सुंदर रोड है, है ना, कि क्या बताएं, हम लोगों घर का भी जमीन जितना साफ नहीं है, वहां पे रोड उतना साफ है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, समुद्र यात्रा का अनुभव शेयर करने लग गया छतगन। शाम को पंचायत बुलाई गई, मुखिया जी, सरपंच जी, पंचायत समिति के सदस्य, है ना, ग्रामीण जो जितने भी सम्मानित ग्रामीण थे वो सभी इकट्ठे हुए, मंगरू और उसके पूरे परिवार को बुलाया गया। मंगरू सोचता है कि उसको सम्मानित किया जाएगा, चूंकि वह अमेरिका घूम कर आया है, समुद्र यात्रा करके आया है, तो गांव वाले उसको सम्मानित करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे और उसको उसके सम्मान में कसीदे पढ़े जाएंगे, उसे तालियां बजाई जाएंगी छतगन। लेकिन क्या यह सपना पूरा होता है, आप जाने। शाम को जब गांव की अदालत लगती है, गांव में पंचायत बैठती है, तो मंगरू से पूछा जाता है, मंगरू कहां गए थे तुम? मंगरू कहता है, हुजूर सात समुंदर पार अमेरिका गया था मैं। मंगरू से पूछा जाता है, तुमने समुद्र यात्रा की? मंगरू कहता है, जी हुजूर। तुमने विदेश यात्रा की? वह कहता है, जी हुजूर। पंचायत कहती है, मुखिया जी कहते हैं, क्या मंगरू तुम्हें मालूम नहीं था कि समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा हमारे धार्मिक नियमों के खिलाफ हैं, हमारे धार्मिक पुस्तक, हमारे धार्मिक मान्यताएं इसकी अनुमति नहीं देते हैं, यह गलत है, यह गलत परंपरा की शुरुआत है, क्योंकि विदेश यात्रा करने से आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है, विदेशी संस्कृति को अपनाता है, शराब, चरित्रहीन हो जाता है, तो तुम्हें क्या यह नहीं मालूम था? मंगरू कहता कि नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मुखिया जी कहते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए था मंगरू, चूंकि अब तुम पथभ्रष्ट हो गए हो, चूंकि अब तुमने धार्मिक उसूलों के खिलाफ काम किया है, धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए यह पंचायत तुम्हें समाज से निष्कासित करती है, तुम्हारा हुक्का पानी बंद, दाना पानी बंद, ना तो कोई तुम्हारे यहां लड़की देगा, ना कोई तुम्हारे यहां लड़की लेगा, तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाते हैं और तुम्हें निष्कासित कर दिया जाता है समाज से। छतगन मंगरू रोता है, कलपता है, पैर पे गिर जाता है मुखिया जी के और कहता है, मुखिया जी, सरपंच जी, गांव के सम्मानित जनों, मुझे मालूम नहीं था, मुझे इतना कठोर दंड मत दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जो है गांव की पंचायत एक भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है और उसे निष्कासित कर दिया जाता है। छतगन किसी व्यक्ति के साथ ऐसा क्या होगा जब उसको समाज से जलालत मिले, जब उसको समाज से बेइज्जत कर दिया जाए, जब उसको भरे गांव में निष्कासित कर दिया जाए,
ऐसी स्थिति में उसके दिल पर क्या गुजरेगी, आप खुद इस चीज को सोचिए कि उसके दिल में आक्रोश की भावना आएगी कि नहीं आएगी, क्रोधित तो वो होगा कि नहीं होगा। छतगन यह घटना इतनी जबरदस्त रूप से आग में घी का काम किया कि जैसे ही जिन जिन सैनिकों के साथ ये नियम अपनाए गए थे, जिन जिन सैनिकों को निष्कासित कर दिया गया था भारतीय समाज से, उन सैनिकों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें तलवार उठा लिए छात्रगण और अंग्रेजों को दौड़ दौड़ करके मारना शुरू कर दिया। यह घटना भी विद्रोह का एक बहुत ही बड़ा कारण थी जिसको आपको ध्यान देना होगा। छात्रगण, छात्रगण क्या सवाल आएंगे, गौर करेंगे, सवाल पूछे जाएंगे आपको, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछेगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन में देगा 1854, 1855, 1856, 1857, आपको लगाना होगा 1856। क्लियर है? दूसरा सवाल आपसे पूछेगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, आपको लगाना होगा लॉर्ड कैनिंग, है ना। फिर आपसे पूछेगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या था, छतगन आपको लगाना होगा यह एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत यदि कोई भी भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल होना चाहता था तो उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते थे जिसमें लिखा होता था कि वह समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा करेगा, परंतु उस समय समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा को भारतीय समाज में पाप माना जाता था और ऐसा करने वाले व्यक्ति को समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। यही थी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसे ही जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है छात्रगण, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा और एक एक चीजों को मनन करना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। मैंने कोशिश की कि प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाऊं। छात्रगण इतिहास एक ऐसा विषय है, चूंकि यह नीरस विषय की गिनती में आता है तो टीचर का यह कर्तव्य बनता है कि उसके अंदर में उस विषय को इतना ऊर्जावान बना दे, उस विषय को इतना ज्यादा रोचक बना दे, इंटरेस्टिंग बना दे, मजेदार बना दे कि आपको लगे। छतगन खाने में जब तक उचित मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। आपको सादा खाना दे दिया जाए, केवल चावल दाल है ना, वो भी दाल में नमक नहीं है, तो क्या भोजन पसंद करेंगे? नहीं। लेकिन वहीं आपको चावल दाल, विभिन्न तरह की सब्जियां, पापड़, चटनी, सलाद, अचार से लेके मिठाइयां सब कुछ मिले तो आपको मजा आ जाएगा कि वाह मजा आ गया बॉस, है ना, आनंद आ गया, एकदम पेट तृप्त हो गया, खुश हो जाएंगे आप, मूड बन जाएगा आपका। तो यही चीज पढ़ाई भी है छात्रगण, रोचकता जगानी पड़ती है, आपको भी रोचकता जगानी होगी, हम लोग भी रोचकता जगाएंगे, इसलिए आपको हम लोगों की कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल उदाहरण दे, प्रायोगिक उदाहरण दे, है ना, जिससे आपको वो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाए, आईने की तरह साफ हो जाए, पानी की तरह साफ हो जाए और आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अरे ये सब चीजें इतनी टफ तो कुछ नहीं थी, मैं तो इसे टफ समझता था लेकिन इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग की कोशिश होती है कि आपको बहुत ही आसानी से हर बात को समझा दें और हर चीज को आप दिमाग में हटा लें। ये प्रतियोगी विद्यार्थियों, गुरुकुल के प्रत्येक टीचर का कर्तव्य होता है और हम लोग इसे अपने जिम्मेदारी मानते हैं, हम लोग इसे अपने धर्म मानते हैं, इसे हम लोग अपना बहुत ही बड़ा कर्तव्य मानते हैं कि एक विद्यार्थियों को हम संतुष्ट करें, यही हमारी जो है सबसे पहली प्राथमिकता होती है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, अब लिखने की कार्रवाई करेंगे। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का हेडिंग आप लोगों ने बना लिया, लिख भी लिया है, लिखिएगा इसकी शुरुआत 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने की थी। इसकी शुरुआत 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कंप्लीट, वेरी गुड छात्रगण, नेक्स्ट देखते हैं निशान। इसके तहत यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी सेना में शामिल होना चाहता था तो उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होता था, उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होता था। नेक्स्ट, तीर का निशान छात्रगण, साइन ऑफ एरो।
इस दस्तावेज में यह लिखा होता था कि वह व्यक्ति अंग्रेजी सेना के साथ समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा करेगा। कंप्लीट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा को घोर पाप माना जाता था और ऐसा करने वाले भारतीय सैनिक को समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। लास्ट लाइन छात्रगण, कंप्लीट हो गया ये लाइन आपका, वेरी गुड। लास्ट लाइन लिखेंगे, इस प्रकार से यह घटना भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी थी। कंप्लीट हो गया आपका छात्रगण, हाँ वेरी गुड। तो छात्रगण, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का अध्ययन हम लोगों ने आज किया। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत मैंने आपको बतलाया कि जो भी भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी सेना में शामिल होना चाहता था उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते थे। वह संकल्प लेता था कि वह अंग्रेजी सेना के साथ समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा पर जाएगा। छात्रगण, तत्कालीन भारतीय सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा को घोर पाप माना जाता था और ऐसा करने वाले व्यक्ति को भारतीय समाज से निष्कासित कर दिया जाता था और यह घटना विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई थी। छात्रगण, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? मैंने बताया है, आप जवाब दें, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। वेरी गुड, है ना। कब किया था? 1856 में किया गया था इसकी शुरुआत। तो छात्रगण, आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे और आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जाना है, जिसे मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर आपको थोड़ा सा इसको अध्ययन कर लेना है, घर पर थोड़ा सा आपको रिवीजन कर लेना है, घर पर आपको जो है एक बार सरसरी निगाह से देख लेनी है, है ना। 90% बातें तो आपको याद हो चुकी है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं, लेकिन एक बार आप सरसरी निगाह से छात्रगण देख लेंगे तो मैं ये भी दावा करता हूं कि आपको ये चीजें और भी पुख्ता हो जाएंगी और भी मजबूत तरीके से आपके दिमाग में ये स्थापित हो जाएंगी और कभी भी प्रश्न यदि इन सब चीजों से पूछा जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं पुनः आपसे अगली कक्षाओं में इसी सकारात्मक ऊर्जा, जोश, जज्बे और जुनून, हंसी खुशी ठिठोली और एक मजेदार और रोचक अंदाज में हम लोग पुनः आपसे मिलेंगे और फिर से आपको पढ़ाई, आपके करियर के प्रति आपको महासागर में गोते लगवाएंगे, आपको हम लोग सराबोर करेंगे। छात्रगण, तब तक के लिए आप लोगों का हृदय से आभार, तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थी।